भारत के सात सबसे प्राचीन और पुराने गिरजाघर यानी चर्च। भारत में कई धर्म एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारत में ईसाई धर्म का चलन थॉमस नाम के धर्मदूत से शुरू हुआ था, जो 52 ईस्वी में केरल आया था। भारत में ईसाई धर्म की अधिकांश आबादी भी दक्षिण भारत में ही है। हालांकि ईसाई धर्म के गिरजाघर पूरे भारत में हैं, जिनमें से कई 400 साल से भी अधिक पुराने हैं। चलिए आपको बताते हैं भारत के सबसे पुराने गिरजाघर यानी चर्च कौन से हैं। सेंट फ्रांसिस चर्च केरल। सेंट फ्रांसिस चर्च केरल के कोचीन में स्थित भारत के सबसे पुराने चर्च में से एक है, जिसे 1508 में बनाया गया था। ये चर्च भारत में यूरोपीय शैली का पहला चर्च है। माना जाता है कि यहाँ पर कुछ समय के लिए वास्को डिगामा को दफनाया गया था। इस चर्च को साल 1923 में संरक्षित स्मारक अधिनियम 1904 के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। मौजूदा समय में भारत का पुरातत्व इस चर्च की देखरेख करता है। माउंट मैरी चर्च मुंबई। माउंट मैरी चर्च मुंबई स्थित एक प्रसिद्ध चर्च है। ये चर्च ईसाइयों के भगवान यीशु की मां को समर्पित है। इस चर्च को साल 1640 में बनाया गया था, लेकिन इसे बाद में ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद इस चर्च का पुनः निर्माण 1761 में दोबारा कराया गया है। माउंट मैरी चर्च में हर साल सितंबर के महीने में मेला भी लगता है, जिसमें हर धर्म के लोग आते हैं। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस चर्च गोवा में स्थित भारत के सबसे पुराने चर्च में से एक है। बोम जीसस का मतलब यहाँ पर शिशु जीसस से है। इस चर्च में गोवा के संरक्षक सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। आपको बता दें, सेंट फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु ईस्वी में हुई थी और ये चर्च आज भी उतना ही पुराना है। सेंट कैथेड्रल गोवा ऐतिहासिक चर्चों में से एक है, जिसका निर्माण 1619 में कराया गया था। इसे पुर्तगालियों के शासक काल में सबसे रोमन कैथोलिक ने बनाया था। गोवा का ये चर्च एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, जिसकी लंबाई 250 फीट और चौड़ाई 181 फीट है। सेंट फ्रांसिसी आसीसी चर्च गोवा। सेंट फ्रांसिसी आसीसी चर्च भी गोवा में स्थित है और भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध चर्चों में से एक चर्च है। इसका निर्माण साल 1661 में पुर्तगालियों ने करवाया था। इस चर्च में 5 कलात्मक घंटियां हैं, जिनमें से एक सोने की घंटी है। क्राइस्ट चर्च शिमला। क्राइस्ट चर्च भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। इस चर्च को 1857 में ब्रिटिश ने बनवाया था। इस चर्च में किताबों और प्राचीन शास्त्रों का संग्रह है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कानपुर मेमोरियल चर्च कानपुर। इस चर्च को साल 1875 में ब्रिटिश सैनिकों के सम्मान में बनवाया गया था, जिन्होंने साल 1857 में हुए स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान गंवाई थी। इस चर्च का डिजाइन वास्तुकार वाल्टर क्रेनविल ने तैयार कराया था, जो पूर्वी बंगाल रेलवे की वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। भारत के इतिहास में बनाए गए सभी कैथोलिक चर्च भारत में विदेशी आगमन और संस्कृति के आदान प्रदान का अनोखा उदाहरण है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक रोचक जानकारी के साथ।